नमस्कार दोस्तों, डियर स्वामी पति चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूँ और आज का टॉपिक है, एक मैंने मेडिसिन ली है, वो है एसिड फॉस। कुछ लोग इसको एसिड फॉस भी बोलते हैं, कुछ लोग फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये एसिड फॉस हमारे होम्योपैथिक में कितनी ये इम्पॉर्टेंट है। ये मेडिसिन एक ऐसी है जो हमारे शरीर में चाहे फिजिकल या मेंटल किसी भी तरीके की अगर वीकनेस होती है उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। वो वीकनेस चाहे एक्यूट डिजीज की वजह से हुई हो या क्रोनिक डिजीज की वजह से हुई हो, ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम ये बताएंगे कि इस मेडिसिन का जो बॉडी में कहाँ कहाँ पर और कैसे हम अप्लाई उसको कर सकते हैं, किस कंडीशन में हम एसिड फॉस को देंगे, जो कि ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन साबित होती है। तो दोस्तों ये ज़रूर आप पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ आएगा कि एसिड फॉस हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस मेडिसिन का एपियरेंस क्या है, इस मेडिसिन का लोकेशन क्या है, इस मेडिसिन का सेंसेशन क्या है, इस मेडिसिन का मॉडलिटी क्या है और इस मेडिसिन का एसेंस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आते हैं एपियरेंस के ऊपर में। एपियरेंस इसमें किस तरीके का बॉडी में दिखाई देगा, वो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, वो वाइटल फ्लूइड जिसका बॉडी से डिस्चार्ज हो गया है या हमारे बॉडी से बाहर हो गया है और वो लॉस होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर में एक वीकनेस महसूस होती है, एक डिजीनेस महसूस होती है, एक बॉडी में सुस्तपन या आलस्यपन हमको महसूस होता है। वो अपीयरेंस दूसरे तरीके का ग्रीफ भी हो सकता है, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा दुख आ गया होगा या माइल्ड डिस्पोजिशन हो गया होगा, उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब इस मेडिसिन का लोकेशन क्या है, लोकेशन का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पर इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम रहती है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म अगर उसमें डिस्टर्बेंस है तो वहाँ पर भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल सिस्टम में अगर कोई कोई प्रॉब्लम अगर आती है वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्सुअल में ये कुछ मास्टरबेशन की वजह से बॉडी में वीकनेस आने की वजह से या उसका सेक्सुअल बहुत डिजायर होने की वजह से या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशन रहने की वजह से हमारी बॉडी में जो डिजीनेस, नर्वसनेस या वीकनेस जो आता है उसको दूर करने के लिए मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है स्पाइन से रिलेटेड अगर रहता है वहाँ पर भी एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है। अब आते हैं हम सेंसेशन के ऊपर में, वो बॉडी के अंदर में कैसा सेंसेशन होगा जहाँ पर हम इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो कोल्डनेस ऑफ द वन साइड फेस में एक साइड में ठंडापन उसको महसूस होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं मॉडलिटी के ऊपर में। मॉडलिटी में कब हमारा बढ़ता है या घटता है, किस कंडीशन में होता है, तो मॉडलिटीज में लॉस ऑफ फ्लूइड्स, जैसा मैंने अपीयरेंस में बताया था, जब हमारा फ्लूइड कोई ऐसा फ्लूइड्स होता है जिसका डिस्चार्ज होने की वजह से बॉडी के अंदर में वीकनेस हो सकती है। ठीक है दोस्तों, सेक्सुअल एक्सेस सेक्सुअल अपीयरेंस उसमें इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से हमारा जो वाइटल फ्लूइड्स होता है उसका डिस्चार्ज होने की वजह से बॉडी में वीकनेस आ जाती है, उस वीकनेस को फुलफिल करने के लिए एसिड फॉस हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। नेक्स्ट है ग्रीफ, उसको इतना ज़्यादा दुख होता है कि बॉडी के अंदर में चाहे मेटाबॉलिज्म हो या नर्वस सिस्टम हो या बॉडी की और भी कोई वीकनेस डिजीनेस ये फील होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर में बहुत इफेक्ट पड़ता है।
तो उस कंडीशन में ये एसिड फॉस हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। अब एसेंस में आ जाते हैं कि क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर में कुछ इफेक्ट या अपीयरेंस कुछ ऐसे आते हैं जहां पर हम एसिड फॉस हम मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए इसमें ये बहुत लविंग पर्सन होता है, ये जिससे प्यार करता है उसको वो बहुत ज़्यादा चाहता है, और उसी जिससे वो प्यार करता है अगर वो उससे डिसअपॉइंटेड होता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अगर किसी के अंदर में अगर ऐसा सिम्टम्स अगर आया हो तो वहाँ पर एसिड फॉस हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। ग्रेट फिजिकल एंड वीकनेस, मेंटल फिजिकल वीकनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक अगर उसके अंदर में वीकनेस या कमजोरी आ जाती है तो वहाँ पर ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। वेरी प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज, कुछ पानी जैसा, जैसे डायरिया, डिसेंट्री, वहाँ पर उस कंडीशन में वाइटल फ्लूड बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है जिसकी वजह से वो वीकनेस आ जाती है। मिल्की यूरिन, कभी कभी क्या होता है कि यूरिन का कलर एक मिल्क फॉर्म में होता है, मिल्क की तरह एकदम वाइटिश कलर का होता है, तो उस कंडीशन में कुछ हमारे वाइटल फ्लूड्स का डिस्चार्ज होने की वजह से बॉडी में आई हुई वीकनेस, फिजिकल एवं मेंटल वीकनेस को दूर करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट है ग्रे हेयर, ग्रे हेयर हूँ, सफ़ेद समय से पहले हेयर सफ़ेद हो गए हो या हेयर फॉल हो उस कंडीशन में, या बिफोर एज वो ओल्ड दिखने लगता हो, आंखें अंदर धधी धसी धसी सी महसूस होती हो, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है, अब वो चाहे कोई भी डिजीज से सफ़र कर चुका हो या सफ़र कर रहा हो, वो रिसेंटली चाहे एक्यूट डिजीज हो या क्रोनिक डिजीज हो, ऐसी डिजीज होने के बाद में अगर आई हुई वीकनेस को ये मेडिसिन बहुत अच्छे से वो काम करती है। दोस्तों अगर एक्यूट डिजीज में वो चाहे मलेरिया फीवर या वायरल फीवर होने के बाद में शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, तो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहता है कि उसको ट्यूबरकुलिनम 1 mg का एक सिंगल डोज देने के बाद में फिर हम एसिड फॉस को 1 वीक 4 ड्रॉप 30, अगर हम 30 फोटेंसी लेते हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार हम उसको 4 से 5 दिन ले लेंगे, हम देखेंगे जो वीकनेस में डिजीनेस, वीकनेस मेंटल या फिजिकल फटिगनेस अगर आ जाती है उसको तुरंत आराम देता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ, तो अगर बच्चे लेते हैं, मान लेते हैं कम एज के लोग, तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद करके भी हम लेंगे तो ये उसके शरीर की मेंटल एवं फिजिकल वीकनेस को तुरंत दूर करती है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन पुट इन माई कमेंट्स बॉक्स एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर रखिए, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ जो हमारे इस चैनल में इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़रूर अपने दोस्तों को इसको शेयर करिएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।